हेलो गाइस, मैं हूं रियम अग्रवाल। स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में ना मैं आपको जल्दी से दिखाने वाला हूं कि आप अपनी स्कॉर्पियो एन का जो एलेक्सा आता है ना, इसके अंदर जो स्कॉर्पियो एन रहने वाली है या फिर एक्सयूवी 700 भी रहती है ना, उसके अंदर भी एलेक्सा आता है, लेकिन उसका कैसा काम करता है भाई मुझे ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं है। अभी हमारे पास स्कॉर्पियो एन है तो भाई मैं इसमें आपको दिखा सकता हूँ कि इसके अंदर जो ये अमेजोन एलेक्सा बन के आता है ये एक्टिवेट कैसे करना होता है। एड्रीनॉक्स की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, एड्रीनॉक्स अलग चीज है और ये अमेजोन एलेक्सा जो है ना वो एक अलग चीज है। ये आपको खुद से एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप डिलीवरी लेते के साथ एक्टिवेट कर सकते हो इसको। ये काफी लोगों को मतलब कि पता नहीं होता वैसे कि ये एक्टिवेट होता कैसे है। अगर आप इसमें एलेक्सा वगैरह कुछ भी बोलोगे ना तो अभी गाड़ी सुनेगी नहीं, क्योंकि भाई इसमें साइंड आउट है वो, ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, आपको मतलब कि मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर देता हूँ और इसकी कमांड्स थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई सबसे पहले ना यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारी होम स्क्रीन है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं, ये होम स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में जाना है आपको एलेक्सा के अंदर। एलेक्सा का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आप क्लिक करोगे, Amazon Alexa लिख के आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर Amazon का Alexa का कोई भी साइन नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन जब आप इसको एक्टिवेट कर लोगे तो आप इसको यूज कर सकते हो पूरा का पूरा। इसके लिए आपके पास एक Amazon का अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि Alexa भाई Amazon की ही चीज है, ठीक है, जो इसका वॉइस असिस्टेंट है। तो भाई अब गेट स्टार्टेड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लोड हो रहा है और ये मतलब कि थोड़ा सा टाइम ले सकता है यार, मतलब एक आध मिनट ले सकता है, लेकिन उतना चलता है। यहाँ पर मैं इतने दूसरा फोन खोल लेता हूँ और दूसरे फोन में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आएगा कि गेट स्टार्टेड में। भाई अभी ये वैसे पता नहीं लोड होके भी ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं। हाँ तो यहाँ पर आ गया, टू यूज एलेक्सा यू मस्ट साइन इन टू योर अमेजोन अकाउंट, गो टू amazon.com/code एंड एंटर दिस कोड, ठीक है। ये आपको कोड डालना पड़ेगा, ठीक है, जो भी है ये अपने आप रिफ्रेश होता रहता है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फटाफट amazon.com/code, ठीक है, यहाँ पर मैंने डाला। और इसमें मेरा Amazon जो है मतलब कि ये इसको लिंक करना पड़ेगा, तो इसमें एक बार मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर Amazon खुल चुका है, इसमें अब पासवर्ड डाल लेता हूँ मैं अपना। तो भाई ये रहने वाला है, तो इसमें OTP मांग रहा, पहले मैं OTP भी डाल लेता हूँ। तो अब जो है, जो मैंने OTP है वो डाल लिया है, यहाँ पर आ रहा है कि ये कोड मांग रहा है, ठीक है। जो भी ये कोड यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कैप्स में कर लेता हूँ, EZGAJB, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया ये कोड। यहाँ पर मेरा जो Amazon का अकाउंट था इसमें प्राइम मतलब ले रखा है मैंने, तो इसलिए मुझे ये मैं पक्का नहीं कह सकता कि यार इसमें प्राइम की आप सब्सक्रिप्शन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है, उसका मुझे पक्का नहीं पता है। लेकिन Amazon Alexa यूज करना है ना, तो मेरे ख्याल से शायद से चाहिए आपको। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है स्मार्ट कोड, ये W3W, ये इसका वॉट 3 वर्ड्स है, ठीक है, जो कि इसको बड़ा बड़ा चिपका के बेचा गया था गाड़ी के साथ कि भाई इसमें वॉट 3 वर्ड्स आता है Alexa का। तो भाई इसको अभी आगे पढ़ लेते हैं, ये सारा मतलब कि अलाउ करने के लिए मांग रहा है, तो मैं अलाउ कर देता हूँ इसको कि हाँ भाई हमें ये अकाउंट इसमें भी चाहिए गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर डाला मैंने, अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। योर रजिस्ट्रेशन इज नाउ कम्प्लीट आ गया। और यहाँ पर Alexa, यहाँ पर Amazon Alexa जो है वो अपनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है कमांड्स दिखा रहा है थोड़ी बहुत, और इसको मैं डन कर देता हूँ भाई, एक मिनट। और ये कह रहा है कि मतलब कि इसको एक बार यूज करके देखूं मैं, तो एक बार ही इसको डन करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें सारा का सारा आ जाएगा। इसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ये अभी मैं बस क्विक दिखा रहा था आपको कि इसको आपको यूज कैसे करना, मतलब कि आप इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब गाड़ी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो Alexa का भी साइन आ रहा है, और इसको मैं जो भी फंक्शंस बोलूंगा ना वो सब कुछ ये मतलब कि जो है ये स्टार्ट कर देगी। जैसे कि अगर मैं इसको बोलूं Alexa ओपन सनरूफ, तो यहाँ आप देख लो अपने आप जो है सनरूफ वगैरह खुल जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूंगा विंडोज वगैरह खोलने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो Alexa ओपन विंडोज, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है विंडो कंट्रोल्स के नाम से लिख के आ रहा है, और यहाँ पर अपने आप विंडोज खुल चुकी है। अगर आपको इसकी सारी कमांड्स की वीडियो चाहिए ना,
तो उसके लिए एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा ये सिस्टम के ऊपर, क्योंकि इसमें एड्रीनॉक्स की कोई भी कमांड्स नहीं आती, लेकिन एलेक्सा से ही इंटीग्रेटेड सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, अभी मैं बस आपको जल्दी से दिखा रहा था कि ये चलेगा कैसे इसमें अमेजोन एलेक्सा, आप इसके अंदर लॉग इन कैसे कर सकते हो। अगर कोई और आईडी डालनी है आपको तो यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो, ठीक है, और वापस अपना जो भी दूसरी आईडी है वो इसको लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लो साइन आउट का भी ऑप्शन आ रहा है, तो वो आप कर सकते हो। इसमें आप सारी कमांड्स पढ़ सकते हो, ठीक है। इसकी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना नीचे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।